नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। चारों दिशाओं में विद्यमान चारों धामों में साक्षात प्रभु का वास है। जीवन में इन धामों के दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों धाम बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम व जगन्नाथपुरी की यात्रा कर इंसान के मन में जहाँ भक्ति श्रद्धा का मिलन होता है, वहीं भारतीय प्राचीन संस्कृति को पास से समझने की जिज्ञासा भी शांत होती है। आइए आपको बताएं कि हिंदुओं के तीर्थ माने जाने वाले चारों धाम किस दिशा में स्थित हैं। पांडवों ने चारों धामों को किया था परिभाषित। महाभारत काल में पांडवों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में चार धामों को परिभाषित किया था। इन चार पावन स्थलों पर इष्ट के दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। मौजूदा समय में इन्हें बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम के नाम से पूजा जाता है। कहाँ स्थित है बद्रीनाथ धाम? उत्तर दिशा में हिमालय पर अलकनंदा नदी के पास भगवान श्री विष्णु हरि का बद्रीनाथ धाम स्थित है। इस पावन मंदिर में भगवान श्री विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। इस प्रतिमा के बाईं तरफ उद्धव जी व दाईं तरफ कुबेर जी की प्रतिमा है। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ तब प्रसिद्ध हुआ जब भगवान श्री विष्णु के अवतार नर नारायण ने वहाँ तपस्या की। उस समय यह स्थान बेरी के पेड़ से भरा हुआ था। संस्कृत भाषा में बेरी का अर्थ बुरा होता है, इसलिए इस स्थान को बद्रिका वन के नाम से पहचान मिली, यानी कि बेरी के जंगल। वह स्थान जहाँ नर नारायण तपस्या कर रहे थे, एक बड़े बेरी के पेड़ ने उन्हें वर्षा और सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ढक लिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि लक्ष्मी माता ही भगवान नारायण को बचाने के लिए बेरी का पेड़ बन गई थी। जब तपस्या पूरी हो गई तो विष्णु जी ने कहा कि लोग हमेशा मेरे नाम के पहले आपका नाम लेंगे, इसलिए हिंदू हमेशा इसे बद्रीनाथ कहते हैं। यह सब सतयुग में हुआ, इसलिए बद्रीनाथ को पहले धाम के रूप में जाना गया। यह पावन स्थल नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और नीलकंठ के शिखर की छाया में स्थित है। कहाँ स्थित है रामेश्वरम? दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। यह वह पावन स्थल है जहाँ भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम को दूसरा धाम कहा जाता है। रामेश्वरम को त्रेता युग में महत्व मिला जब भगवान राम ने यहाँ पर एक शिवलिंगम का निर्माण किया। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनका पूजन किया। रामेश्वरम नाम का अर्थ है राम भगवान। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। कहाँ स्थित है द्वारिका धाम? पश्चिम दिशा में स्थित गुजरात के जामनगर के पास समुद्र के तट के पास भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारकाधीश मंदिर शोभायमान है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है। यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण शासन किया करते थे। द्वारिका को द्वापर युग में महत्व मिला, इसे तीसरे धाम के रूप में जाना जाता है। इस स्थान को परम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेने के बावजूद अपना निवास स्थान और कर्म भूमि बनाया। इस शहर का नाम द्वार शब्द से मिला है, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में द्वार है। यहाँ गोमती नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। माना जाता है कि समुद्र के नुकसान और विनाश के कारण द्वारिका 6 बार जलमग्न हुई। मौजूदा समय की द्वारिका 7वां शहर है। कहाँ स्थित है जगन्नाथपुरी? पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी में जगन्नाथपुरी धाम स्थित है। भगवान श्री विष्णु जी की नीलमाधव प्रतिमा, जिसे जगन्नाथ कहा जाता है, वह यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में सुभद्रा बलभद्र जी की प्रतिमाएं भी स्थित हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन दर्शनीय होता है, जो देश भर में आयोजित की जाती है। इसे शंकराचार्य पीठ भी कहते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। शंकराचार्य पीठ ने कम से कम 4 हिंदू मठ संस्थान बनाए। यहाँ पर मुख्य मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की स्थापना राजा चौड़ा गंगा देव और राजा तृतीयांग भीम देव ने की थी। तो दोस्तों, यह थी चार धामों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।